हेलो फ्रेंड्स, झटपट मम्मी के चैनल में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पतौले के पकौड़े। आपके यहाँ जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ पतौले भी कहते हैं इसके, अरवी के पत्ते के। तो बरसात के सीज़न में बहुत अच्छा लगता है पतौले, और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। आप लोग ज़रूर भी बनाइए। चलिए अब चलते हैं बनाने। उसके लिए बेसन ले लिए हैं। एक बाउल में निकाल लेंगे बेसन को। इसमें डालने के लिए लहसुन का पेस्ट है, ये लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, नमक। नमक आप अपने अनुसार डालिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे। पहले मिला लेते हैं लहसुन और ये जो सब मसाले वसाले डाले हैं, मिर्च उर्च। अब इसमें हम पानी डाल के मिलाएंगे। एक ही बार पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, नहीं तो बेसन गीला भी हो सकता है। तो पहले इस तरह हम मिला लेते हैं, फिर इसमें पानी डालेंगे। अच्छी तरह से इसका घोल तैयार करेंगे बेसन का, जो अरबी के पत्ते पर लगाना है। तो इसमें और पानी डालना नहीं है। अब इतने ही हम रखेंगे इसका पेस्ट। ऐसे ही बनाएंगे, इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसका पेस्ट एकदम अब तैयार हो गया है। अब ये अरबी के पत्ते का जो मोटा है डंठल, इसको काट लेंगे हम। इसको काट के और जो इसके पत्ते पे नस जैसे फैला रहता है वो अभी टाइट रहता है तो मोड़ने में परेशानी होती है, तो इसको भी हम चाकू के सहारे से निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरे भी पत्ता का निकालेंगे। ये इसे निकालने से रहता है कि जड़ नहीं रहती है, तो अच्छा से हमें रोल बनाने में आसानी रहता है। अब इसे एक बेलन से इसको जड़ को इस तरह बेलन को डुला देंगे उस पर, तो इसकी जड़ है तो मुलायम हो जाएगी और तो लगाने में सही रहेगा। अब दूसरे पत्ते को भी मैं इसी तरह कर दूंगी। देखिए करने पर कैसे इसे पिचक जा रहा है। अब इस पर हम लगाएंगे बेसन। देखिए पत्ते पर हम बेसन लगाएंगे इस तरह। इतना ज़्यादा बेसन भी नहीं लगाना है, हल्का ही बेसन इस पे लगाते जाना है पत्तों पे, कि पत्ता हमारा चिपकते जाए। तो इसी तरह पत्ते पर लगा लेंगे। बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, और बारिश के मौसम में ही पत्ते ये बनाने में भी सही रहता है। अब इसी तरह दूसरा भी पत्ता लगा लेंगे हम। इसे घुमा घुमा के पत्ता लगाएंगे, कि एक ही तरफ को पत्ता लगाएंगे तो मोटा हो जाएगा, तो इस तरह एक पत्ता इधर को एक पत्ता उधर को, तो सही रहता है मोड़ने में, कि मोटा नहीं होगा ये। देखिए इस पत्ते पर भी हमने पूरा लगा लिया, थोड़ा सा बचा है ये भी लगा लेंगे। और जो पत्ते हैं वो भी सब इसी तरह लगाते जाएंगे, फिर रोल बनाएंगे इसका हम। अब इसको इस तरह देखिए मोड़ लेंगे। फिर इस पर हम बेसन को लगाएंगे कोने के तरफ, कि चिपकता जाएगा। तो इसको फिर जो ऊपर के साइड से लगाएंगे तो वो चिपकता जाएगा बेसन में, और पत्ते सब हैं तो चिपकते जाएंगे। और उस साइड का देखिए उसको भी ऐसे मोड़ लेंगे, उस पर भी बेसन लगा लेंगे। अब इसी तरह इसको हम मोड़ लेंगे रोल। देखिए बन गया। इसी तरह और भी पत्ते बचे हैं हमारे पास, उसे भी इसी तरह बना लेंगे रोल। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं इसके पकौड़े। कहीं कहीं इसको पतौले भी बोलते हैं, पकौड़े भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हों।
बारिश के मौसम में इसे ज़रूर बनाना खाना, क्योंकि इसका पकौड़ा अच्छा लगता है। सब्ज़ी भी बनाते हैं, सब्ज़ी इसकी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। अब हमने पानी रख दिए हैं, पानी उबल गया है। इसमें एक छेद वाली जो है थाली रख दिए हैं हम। थाली के ऊपर तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से ये रहेगा कि वो जो पतौले हैं वो चिपकेंगे नहीं, अच्छे से छोड़ देते हैं। तो थाली में लगा लिए हैं तेल। अब इसके ऊपर हम पतौले रख देंगे। पतौले के ऊपर से एक पत्ता और हमने लपेट दिए हैं। अब इसको हम ढक के रख देंगे एक थाली से। अब देखिए हमारे पतौले बनके तैयार हो गए। इस पतौले को हम फ्रीज में भी रख दिए एक घंटा के लिए, ठंडा हो गया। और देखिए इसकी पीस कितनी अच्छे से कट रही है। इस पीस को हम अच्छे से काट लेंगे। अब बनाएं तो ठंडा हो जाए तभी काटें, ठंडा हो जाने पर सही से कट जाता है। तो आप फ्रीज व्रिज में रख दें, नहीं तो हवा जिसे जहाँ लग रही हो हवा जगह रख दें, फिर काट लें। फिर हम तेल रख दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तेल में तल लेंगे। आप ज़्यादा तेल में नहीं तलना चाहते हैं तो तवा गर्म करिए और तवा पर तेल लगा लीजिए। तो तवा पर भी सेक लेते हैं तो भी अच्छा लगता है। जैसे घर में कोई मरीज हो, तेल उल नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए तवा पर आप सेक कर और दे सकते हैं। अपने भी खा सकते हैं, तवा पे का भी अच्छा लगता है, टेस्ट होता है। इसमें ये रहता है तेल में तलने पर ज़्यादा तेल जैसे होता है तो तेल में भी कुड़कुड़ा टाइप हो जाता है, और तवा पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो भी सही अच्छा बन जाता है। तो आप तवा पर ही सेक लें, नहीं तो तेल में भी तल सकते हैं। इसका पकौड़ा दोनों तरह से अच्छा लगता है। तो इसको हम पलट लेते हैं। देखिए एक तरफ का हो गया, दूसरे तरफ भी पलट लिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये सुबह नाश्ते में, शाम को चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। बारिश हो रही है उसमें आप बनाइए और बारिश के मौसम में बैठकर खाइए और चाय पीजिए, तो इसका आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा सब ये बन गया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।